बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज जोहर पढ़ने के फ़ौर बाद ये एक तस्वीर जिसने पढ़ी गैब से सात सौ करोड़ मिल जाएंगे सीने का राज पहली बार बता रहा हूँ नाजरीन कुरान मजीद के अंदर एक सूरत है इस सूरत से अल्लाह पाक को इतनी मोहब्बत है ये सूरत अल्लाह को इतनी अजीज है और ये सूरत अल्लाह को इतनी पसंद है कि जो मेरा भाई जो मेरी बहन जोहर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है नाजरीन अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए आज तक आपको जो नहीं मिला आज इस सूरत को एक मरतबा जोहर की नमाज के बाद पढ़कर देख लें इस सूरत के पढ़ने के बाद आप हाथ उठा जो भी मांगोगे आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाएगी और दुआ मांगने के फौरन बाद एक से दो घंटे के अंदर अंदर आप अपनी आँखों से मोजात देखेंगे जो कुछ आपने अल्लाह से मांगा है फोरन आपको मिल जाएगा नाजरीन ये अल्लाह का कलाम है कुरान मजीद अल्लाह पाक की एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया के शुरू होने से आज तक और कयामत तक इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद ले रखा है यानी जब से ये कायनात बनी है चार किताबें नाजिल हुई हैं तो रात, जबूर इंजील और कुरान पाक बकिया जो तीन किताबें हैं इनमें तब्दीली हो चुकी है अब इन पर अमल करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है लेकिन वाहिद कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले रखा है मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं जिसे चाहूँ बेटे अता करूँ जिसे चाहूं बेटियां अता कर दूं, जिसे चाहूं दोनों ही अता कर दूं, जिसे चाहूं कुछ भी ना अता करूं, जिसे चाहूं इज्जत दूं, जिसे चाहूं जलील कर दूं, जिसका चाहूं रिज खोल दूं, जिसका चाहूं रिज तंग कर दूं, तो नाज़रीन ये मेरे अल्लाह ने क़ुरान में वाज़े आयात में बता दिया है हमें कुरान मजीद की एक एक जो आयत है एक एक जो ज़ेर है पेश है वो हक है सच है और इस क़ुरान मजीद में इतनी बरकत है इतनी ताकत है कि एक मरतबा अगर इस कुरान को जो शख्स अपने सीने से लगा लेता है तो फिर इस दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको हासिल ना होगी और दुनिया की तमाम तर परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी नाजरीन आज कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत का वजीफा है आपकी ख़िदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ और इस सूरत की बरकत ये है कि अगर आपको दौलत की ज़रूरत है पैसों की शदीद ज़रूरत है आपको जतीि घर की शदीद ज़रूरत है क्योंकि जतीि घर एक बहुत अहम तरीन चीज़ है नाज़रीन और आज के इस जदीद दौर में, आज के इस मादी दौर में मैं समझता हूँ कि खुश नसीब लोग हैं कि जिनका जाति घर है तो जिनका नहीं है आज इस अमल को करके एक मरतबा हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो आपको एक महीने के अंदर अंदर आपका जाति घर मिल जाएगा क्योंकि कराए के घर में रहना भी एक बहुत बड़ी परेशानी है नाजरीन हर घड़ी दिल में खौफ रहता है अब मालिक मकान का फोन आएगा और वो कहेगा कि सामान अपना निकाल दो और क्योंकि हम खुद इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर बाज़ बाजात ऐसा भी होता है कि मालिक मकान को आपकी कोई हरकत पसंद नहीं आती और वो जो इसका दिल है उसकी तसल्ली के लिए आपको अपने घर से निकाल देता है और हर साल ये फिक्र हमें सताती है कि अगले साल कहाँ मुंतकिल होंगे और घर की जो मुंतकली है ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है उसके इलावा अगर आप आप बीमार हैं हैं अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाना चाहते हैं इस अमल के करने के फौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिज को वसी और कुशादा फरमा देगा आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन हस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे आप अच्छा और मयारी खाना खा सकेंगे अच्छे घर में रह सकेंगे अच्छा लिबास पहन सकेंगे और आपका जो एक जाती जो एक शानदार सवारी है आपको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी कारोबार में इतनी बरकत होगी कि आपकी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे नाजरीन हमने इस दुनिया को अवलीन तरजीह दे दी और दीन को हमने पीछे छोड़ दिया है और यही हमारी जवाल की एक बहुत बड़ी वजह है हमारी नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है और दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं न फर्ज़ नमाज की फिक्र है न तिलावत कुरान की फिक्र है न सदका और खैरात की फिक्र है और बाद में परेशान रहते हैं कि इधर उधर हम फिर सर भटकते हैं कि हमें ये क्या हो रहा है हमारे साथ हमारी तो जिंदगी दुश्वार हो रही है तो नाजरीन इस मुश्किल वक्त से निकलने का एक रास्ता आपको बता रहा हूँ अल्लाह की कसम अगर आपने इस अमल को कर लिया सारी जिंदगी आप इस बंद नाचीज़ को दुआ देंगे इस वजीफे को आप एक मरतबा कर लें सारी जिंदगी में आपको एक मरतबा इस अमल को करना है मुख्तसर सा ये अमल है और जो लोग रोज जोहर की नमाज के बाद इस सूरत को पढ़कर यानी फर्ज नमाज पढ़ने के फौरन बाद हाथ उठाने से पहले दुआ मांगने से पहले और इस सूरत को एक मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ने उनकी ऐसी गैबी मदद की है कि आज अगर आपको मैं उनके नाम गिनवाना शुरू कर दूं और जो मौजात मैंने अपनी आँखों से देखे हैं जो वाकयात मैं आपको बताना शुरू कर दूं, तो वक्त की कमी की वजह से आपको नहीं बता सकूँगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नाज़रीन मुख्तसर बात यह है कि आपने सिर्फ इस वजीफे को अपने हाथ में करना है ऐसे सीने से लगा लेना है कुरान मजीद की एक सूरत का वजीफ़ा है जहर की नमाज के बाद आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आपने जब आप जहर की नमाज अदा कर लें उसकी एक और शर्त ये है जो भी मर्द हज़रत हैं उनको ये करना है कि हर नमाज बाजमात अदा करनी है वो बाजमात नमाज अदा करने की एक वजह यह है कि इस वजीफे का असर तब ही होगा जब आप बाजमात नमाज अदा करेंगे और खवातीन इस वजीफे को घर में कर सकती हैं उनके लिए कोई इसमें पाबंदी नहीं है लेकिन मर्दों को क्योंकि हमारी जो एक और कोताही है आजकल माशरे में वो ये है कि जो मर्द हजरात हैं वो ज़्यादातर उनकी ये कोताही है और सुस्ती की वजह से मस्जिद की तरफ नहीं जाते अब इस अमल को करने से पहले अब जो मर्द हजरात हैं उन्होंने ये कोशिश करनी है कि पांच वक्त की जो नमाज है वो बाजमात अदा करनी है और जोहर की नमाज के बाद जब आप इस सूरत को पढ़ेंगे इन शाह इसके असरात और फायदे और बरकतें आप अपनी आंखों से देखना शुरू कर देंगे तो जब आपने जोहर की नमाज जमात अदा कर ली एक तो वो दुआ होती है नाजरीन जो फर्ज नमाज के बाद बाजमात जब नमाज अदा होती है तो सब हाथ उठाकर मांगते हैं वो दुआ तो आपने मांगनी है उसके बाद एक आपने ये अमल करना है और फिर आपने अपनी जो एक जाती दुआ है उसके लिए हाथ उठाने हैं अमल का तरीका सुन लें सबसे पहले आपने अव्वल आखिर तीन मरतबा दरुज शरीफ पढ़ना है एक मरतबा सुन भी लें अला मुहमदिन कमा तब्राहिम वब्राहिम अल मबार्ल मारक तब्राहिम इन्नक़ हमीदुम मजीद, हमीदु मजीद। दरुद पाक के बाद आपने दस मरतबा यार जाकू पढ़ना है और उसके बाद दस मरतबा आपने ये छोटी सी सूरत सूरत कोसर पढ़नी है और दस मरतबा आपने चार कुल पढ़ने हैं उसके बाद आपने तीन मरतबा फिर आखिर में दरोशरीफ़ पढ़ कर फिर सुनते पढ़नी है और दुआ मांगनी है फिर आपने जब सुनते पढ़ कर दुआ मांग ली फिर आपने सूरतमज एक मरतबा पढ़नी है सूरत मुजम्मिल पढ़ने के बाद आपने फिर एक मरतबा दुआ मांगनी है और अपने मकसद को अपने जहन में रखते हुए आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं नाजरीन इस अमल को आप करके देख लें आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आज आपको ऐसा ख़जाना आपके हवाले कर रहा हूँ कि आप सारी जिंदगी इन शुरसकून हो जाएंगे और इस बंदे ना चीज़ को दुआ देंगे कि काश आपको इस अमल के बारे में पहले बता दिया होता आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम सुनने वालों को इस वजीफे पर अमल करने की तोफ़ी अता फरमाए आमीन नाजरीन अल्लाह ताला के निन्वे नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें